ठीक है, हमने तो ये जो डिफरेंशियल है ये अपने ट्रैक्टर्स में यूज करने हैं। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा इस पार्सल में कौन सा प्रोडक्ट है, तो चलिए जल्दी जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद जो है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए डिफरेंशियल की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4, तो देखिए दोस्तों ये सामान इसमें से निकला है और इसमें क्या क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ये है एक डिफरेंशियल जो कि हम अपने सभी ट्रैक्टर्स में अभी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले जितने भी नए ट्रैक्टर हैं और पुराने भी जितने भी ट्रैक्टर हमने रिसेंट बनाए हैं उन सभी में जो है हमने डिफरेंशियल यूज़ किया है। तो वैसे तो ये जो डिफरेंशियल है ये किसी ट्रैक्टर में नहीं यूज़ होता, ये RC कार का डिफरेंशियल है, लेकिन हम जो है ट्रैक्टर में यूज़ करते हैं क्योंकि ऐसा कोई ट्रैक्टर आता ही नहीं हमारे इंडिया में जिसमें डिफरेंशियल यूज़ हो सके। तो मैंने 2 डिफरेंशियल ऑर्डर किए थे, एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग शाफ्ट, इसके दोनों तरफ जो है बड़ी बड़ी शाफ्ट निकली हुई है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इनमें ये डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि ये जो मैंने एक सेट ऑर्डर किया था यानी कि ये जो दोनों डिफरेंशियल है ये एक गाड़ी के हैं, ये दोनों डिफरेंशियल एक RC कार में यूज होते हैं, लेकिन इनमें ऐसा डिफरेंस क्यों है यानी कि ये लॉन्ग शाफ्ट है और ये छोटी शाफ्ट है, ऐसा क्यों है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दोनों की शेप, गियर का साइज, इसके अंदर के गियर, ये सब कुछ सेम है दोनों डिफरेंशियल में, और उसी के साथ ये 2 गियर और आए हैं क्योंकि इन दोनों गियर के बिना ये डिफरेंशियल नहीं चल सकते, ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट गियर है। तो इनकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये देखिए दोस्तों, ये डिफरेंशियल के जो है छोटे गियर है जो इस जगह पे यूज होते हैं इस तरह। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा हमारी पुरानी वीडियोस में हमने यूज किया हुआ है इसे, कैसे यूज करते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में इन डिफरेंशियल को यूज करके हम जो है ट्रैक्टर मॉडल तैयार करेंगे, तो उसमें आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। ये जो मेटल के गियर नहीं है ये मेरे को एल्यूमिनियम टाइप लग रहा है, मेरे को भी पक्का आइडिया नहीं है कि ये कौन सा मटेरियल है, लेकिन देखने में ये जो है एल्यूमिनियम लग रहा है कि इसमें जो है गियर्स में एल्यूमिनियम यूज किया गया है। वैसे तो पहले जितने भी डिफरेंशियल हमने अपने ट्रैक्टर में यूज किए हैं उनमें से काफी डिफरेंशियल जो है वो एल्यूमिनियम के गियर के हैं, तो ये जो गियर है इनकी क्वालिटी भी इतनी जो है बुरी नहीं है, एल्यूमिनियम होने के बावजूद काफी अच्छी क्वालिटी है। तो काफी लंबे टाइम से एल्यूमिनियम के गियर्स वाले डिफरेंशियल जो है हम यूज कर रहे हैं अपने ट्रैक्टर में, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। अभी जो है एक डिफरेंशियल खोल के देखते हैं कि इसके बीच में कितने गियर यूज किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ डिफरेंशियल होते हैं जिनमें अंदर वाली साइड जो है टोटल 6 गियर होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंशियल होते हैं जिनमें जो है अंदर वाली साइड 4 गियर यूज होते हैं। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि इस डिफरेंशियल में कितने गियर यूज किए गए हैं। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे इसमें 4 स्क्रू दिए हुए हैं, तो इन 4 स्क्रूज को खोलते हैं और उसके बाद जो है हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितने गियर हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह के गियर जो है इस डिफरेंशियल में यूज किए गए हैं। जो मटेरियल इस बड़े वाले गियर में यूज किया गया है सेम वही मटेरियल जो है अंदर वाले गियर्स में भी यूज किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल 4 गियर हैं, और उसी के साथ यहाँ पे ये जो 5वां गियर है इसमें टोटल 6 गियर हैं, और जो लास्ट वाला गियर है वो नीचे है इसके बीच में। ठीक है, इसके अंदर लगा हुआ है एक गियर, इसके नीचे है। अभी मैं इसको नहीं निकालूंगा क्योंकि इसमें ग्रीस करी हुई है, अगर मैं इसको निकालता हूँ तो इसमें ग्रीस मेरे को दोबारा करनी पड़ेगी सारी, तो इसे नहीं निकालते। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये टोटल 4 गियर हैं, तो जितने इसमें गियर ज़्यादा यूज होंगे जो हमारा डिफरेंशियल है उतना ही मजबूत होगा, उतना ही पावरफुल होगा, उतना ही ज़्यादा जो टॉर्क है ये संभाल सकता है। तो चलिए इसको दोबारा जो है असेंबल कर देते हैं हम। तो इस डिफरेंशियल को तो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों डिफरेंशियल में सेम ही गियर यूज़ हुए हैं, बस मेरे को सिर्फ दिखाना था आपको कि इस तरह के गियर होते हैं इसके बीच में। तो दोस्तों डिफरेंशियल जो है हमारा असेंबल हो चुका है, तो अभी जो बात करते हैं कि इन दोनों डिफरेंशियल्स में डिफरेंस क्यों है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि दोनों डिफरेंशियल एक ही RC कार में यूज होते हैं, तो ये जो बड़ी शाफ्ट वाला डिफरेंशियल है ये RC कार में बैक साइड पे यूज होता है, जो RC कार का बैक साइड का एक्सल होता है ना उसमें जो है डायरेक्ट ये वाला डिफरेंशियल यूज होता है। इसके दोनों तरफ यहाँ पे जो है टायर फिट हो जाते हैं और ये बैक एक्सल का काम करता है, और ये जो डिफरेंशियल है ये RC कार में यूज होता है फ्रंट पे। फ्रंट पे कैसे यूज होता है और इसका इतना साइज छोटा क्यों है वो आपको जो है यूट्यूब पे काफी वीडियोस मिल जाएंगे RC कार की, आप ये वीडियो देख लेना आपको इसका टोटल पता चल जाएगा। आगे आने वाले टाइम में कोशिश कर रहा हूँ कि एक RC कार बाय करेंगे, तो उसमें जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि फ्रंट पे छोटा इस टाइम पे इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस जो है अप डाउन होता रहता है, काफी ज्यादा अप डाउन होता रहता है, तो इसका एग्जांपल भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा।
दोनों डिफरेंशियल और उसके साथ ये जो दोनों गियर हैं प्लस इसमें चार बैरिंग यूज हुए इसका टोटल प्राइस जो मेरे को पड़ा है वो 1600 रुपये ठीक है 1600 रुपये का ये सारा सामान जो मैंने बाय किया है और 1600 रुपये के हिसाब से ये जो क्वालिटी है ये काफ़ी बढ़िया है ठीक है आप ऐसे साइड कह सकते हैं कि 1600 रुपये में दो डिफरेंशियल मिले हैं यानी जो एक डिफरेंशियल है इसका प्राइस हो गया 800 रुपये 800 रुपये के हिसाब से जो है एक डिफरेंशियल की क्वालिटी मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी है ठीक है आप जो सैंपल के लिए मेरे को डिफरेंशियल दिखाता हूँ ये देखिए जो इसमें एक हमने डिफरेंशियल यूज किया है बिल्कुल छोटा सा डिफरेंशियल है साइज में ये डिफरेंशियल जो है इस डिफरेंशियल से छोटा है ठीक है लेकिन इस अकेले डिफरेंशियल का जो प्राइस है वो है तकरीबन 1200 रुपए ठीक है ये डिफरेंशियल 1200 रुपए का और ये 800 रुपए का हाँ इसकी मटेरियल की क्वालिटी में फर्क है जैसा कि आप देख सकते हैं इस डिफरेंशियल में जो गियर यूज हुए हैं वो है एल्यूमिनियम के ठीक है और ये जो डिफरेंशियल है ये जो है पूरा मेटल का बना हुआ है यानी कि इस डिफरेंशियल की मजबूती जो है इस डिफरेंशियल से ज्यादा है ठीक है लेकिन ये भी कोई कमजोर नहीं है ये भी काफी पावरफुल डिफरेंशियल है और 800 रुपए की रेंज में काफी बढ़िया जो वर्क करता है तो अगर हम कंपेयर करें तो ये जो डिफरेंशियल है इस डिफरेंशियल को पूरी टक्कर दे सकता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही डिफरेंशियल है जो मैंने बाय किया था 4 जुलाई को ये डिफरेंशियल डिलीवर हुआ था तो अभी जो है एग्जैक्ट हम इसका प्राइस जो है चेक करते हैं इस पे क्लिक करके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट प्राइस इसका ठीक है तो अभी अगर आप ये डिफरेंशियल बाय करेंगे तो 2100 रुपए में आपको बाय करना पड़ेगा ठीक है यानी कि आज से 15 दिन पहले इसका प्राइस जो है 1600 रुपए था आज 2100 हो गया तो ये नहीं है कि हाईएस्ट प्राइस इसका यही है 2100 इससे पहले मैंने सेम यही डिफरेंशियल इसी लिंक पे जाके चेक किए थे तो वो 2400 रुपए के भी मिल रहे थे ठीक है यानी कि इसका जो प्राइस है ये काफी अप डाउन करता रहता है तो आपको चेक करना पड़ेगा हमेशा ही कि कब आपको जो है अच्छी डील मिलेगी ठीक है यानी कि कम से कम जो इसका प्राइस मैंने अब तक जो देखा है वो 1600 रुपए ही है और 1600 रुपए में मैंने इसे बाय कर लिया था मौके पे इसका प्राइस तो 2100 रुपए चल रहा है लेकिन आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप और भी डिफरेंशियल जो है देख सकते हैं इससे भी कम रेट में आपको डिफरेंशियल मिल जाएंगे ठीक है कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है तो आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है डिफरेंशियल फॉर आरसी कार यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च हिस्ट्री में यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे डिफरेंशियल के ये 2600 रुपए में भी मिल रहा है ये जो डिफरेंशियल है ये हमने बाय किया था जो मैंने आपको पहले दिखाया था यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको काफी अच्छा प्राइस यहाँ पे मिल रहा है सेम उसी डिफरेंशियल का यहाँ पे काफी डिफरेंशियल है जो इससे भी सस्ते मिल जाते हैं और इससे महंगे भी मिल जाते हैं ये वही डिफरेंशियल है जो हमने बाय किया था ठीक है अभी इसका प्राइस जो 2100 रुपए चल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये जो पार्ट्स हैं आने वाले टाइम में आने वाले 2-3 साल के बीच में हो सकता है आपको बड़े बड़े शहरों में जो है शॉप्स पे आपको ये वाली चीजें जो है बाय करने को मिल जाए ठीक है इन फ्यूचर ये हो सकता है क्योंकि धीरे धीरे इंडिया में भी आरसी कार आरसी टॉयज का क्रेज काफी बढ़ रहा है ठीक है हमने तो ये जो डिफरेंशियल है ये अपने ट्रैक्टर्स में यूज करने हैं तो हमें तो ट्रैक्टर्स के लिए चाहिए तो अभी हम जो है आरसी कार तो बना नहीं रहे तो हमें तो जितने भी पार्ट्स चाहिए अपने ट्रैक्टर्स के लिए चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आप अर्जुन भी देख सकते हैं 4x4 इसमें भी मैंने एक अपग्रेड किया है इसकी ये जो मोटर है पहले इसमें सिंगल मोटर थी अब जो है डबल कर दी है ठीक है ये भी एक छोटा सा अपग्रेड है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ नेक्स्ट कोई अनबॉक्सिंग की वीडियो आएगी या किसी ट्रैक्टर की वीडियो आएगी तो वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना अगर इस तरह की अनबॉक्सिंग की और वीडियोज चाहिए जो भी सामान हम अपने ट्रैक्टर्स में यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट कर देना जो जो भी पार्ट्स हम नए मंगवाएंगे ट्रैक्टर्स के लिए उनकी जो है प्रॉपर अनबॉक्सिंग की वीडियो लाएंगे ठीक है जी तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाय टाटा।